कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। यूरोप के बड़े बड़े देशों ने तो अपने घुटने टेक दिए हैं। मौत की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गर्व है भारत में, भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को कि उसने अभी तक कोरोना को अपने नियंत्रण में ले रखा है। कोरोना भारत में अभी महामारी का रूप नहीं ले पाया है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की सरकारें और यहाँ की जनता का सहयोग। कुल मिलाकर पुलिस, सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स की सेवाओं ने इस कोरोना पर पूरी तरह लगाम लगा रखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक कोरोना पूरी तरह नष्ट न हो जाए, आपको लॉकडाउन का पालन करना है और अपने घरों से नहीं निकलना है। आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब एक ही जगह पर आकर के पूरे देश से निवेदन कर रहे हैं, कोरोना से बचें और अपने घरों में कैद रहें, बाहर न निकलें। आज भी कई लोगों ने एक मर्महत अपील की है, पेश है तमाम समाज के लोगों की अपीलें। देश लेगा चैन की सांस जब हर आदमी पहनेगा मास्क। अब जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगर एक इन्फेक्टेड आदमी कोई लॉकडाउन ना हो तो एक दिन में 10 से 15 और महीने में तकरीबन 400 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। और कल्पना करिए अगर आपके शहर में 8 लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं तो वो एक महीने के अंदर अगर लॉकडाउन ना हो तो 3200 लोगों को, कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। और वो 3200 आप मल्टीपल करते जाइए कि अगर लॉकडाउन ना हो, फैलते जाएं तो कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपील है कि अब जब की संकट का दौर है, सब लोग अपने घर पर रहें। और कोरोना को आप हरा सकते हैं सिर्फ अपने आप को अपने घर में रोक कर। बहुत जरूरी होने पर तय नियम शर्तों से आप बाहर निकलें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर को साथ में रखें और किसी भी फेक न्यूज में और किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़ें। और आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है और ये तय मानिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग अपने घर तक सीमित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, यही हमारी आप सबसे गुजारिश। मैं अरविंद पांडे आम जनमानस से अपील करता हूं कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, तभी हम कोविड-19 जैसी घातक बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत रस्तोगी और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के रूप में इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है और बड़े बड़े देश घुटनों पर आ गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से और हम सभी के सहयोग से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसको पछाड़ने की, कोरोना को हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से भगाने की। और इसमें प्रयास सफल भी होता दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपके जिस भी शहर में आप हों, आपके शहर में, मोहल्ले में, गाँव में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत नीडी हैं इस समय। मुझे पता चला है कई कई दिन से लोग भूखे हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच पाया है। तो मैं प्रयास में मैं आगे आना चाहता हूं और मैं आ भी रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे फिल्म उद्योग से भी जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, मुंबई में, वो सब लोग, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और भी लोग करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। हम लोग करने वाले बहुत ही कम हैं। हमारे सीतापुर के ऐसे ही एक संस्था है कोविड-19 वॉलंटियर्स के नाम से, बड़े भाई आशीष मिश्रा जी ने बनाया है, तो मैं भी उसके माध्यम से यथासंभव सहयोग कर रहा हूं और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी सहयोग करें। और सीतापुर के और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और आप लोग भी, मेरे भाई, मेरे बंधु, जो भी मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, सब लोग आगे आएँ और यथासंभव समाज की मदद करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं चरणजीत सिंह, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर, एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस की का महामारी का रूप ले चुकी है, यूरोप में जैसा कि सब लोग पढ़ रहे हैं, इटली है, फ्रांस है और स्पेन है, यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से वायरस का असर हो रहा है।
अमेरिका जैसे उन्नतशील देश में भी हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली आज दोपहर में कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस टाइम ICU में हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही। अब जब इतने उन्नत देशों में इतने सुख सुविधाओं के बावजूद अगर ये हाल है तो आप सोचिए हमारे देश में क्या हाल होगा। हम लोगों को सिर्फ एक ही आदेश का पालन करना है जो शासन भी चिल्ला रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, SP साहब सब भी बहुत तन मन धन से जुटे हुए हैं कि हम लोगों को सिर्फ एक ही नियम का पालन करना है कि हमको अपने घर के अंदर रहना है। तो मैं सारे ही नागरिकों से अपील करूँगा, कृपा करके शासन का आदेश मानते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश मानते हुए अपने घर पे रहें। कोरोना वायरस की लड़ाई में सीतापुर के सभी स्वयंसेवी संगठन तन मन धन से जुटे हुए हैं। मैं श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर की तरफ से भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई संकट की घड़ी आई है हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आशीष मिश्रा जी का COVID-19 ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम और हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जिसकी चिंता हम सब लोगों को है, होनी भी चाहिए। शासन प्रशासन, पुलिस विभाग, डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशंस, समाज सेवा संस्थाएं और तमाम लोग इस काम में लगे हुए हैं और पूरी एहतियात के साथ कोरोना वायरस से जंग कर रहे हैं कि ये हमारे नगर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में न फैलने पाए। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जो शासन और प्रशासन की मंशा है, जो स्वास्थ्य विभाग की हिदायतें हैं, उसके मुताबिक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखने का संदेश दें। ऐसे में जो लोग परेशान हाल हैं उनकी मदद करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जो हमारी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस काम को पूरा कर रही हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद, अन्नपूर्णा संस्था, आशीष मिश्रा जी और सरदार रणजीत सिंह, एहतशाम बेग अच्छे और बहुत से शहर के लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। हमारी भी अपील सबसे यही है कि इसी तरह हम सब लोग मिलकर लोगों की मदद करते रहें। अगर किसी एक दो आदमी की लापरवाही या उनकी नादानी की वजह से कोई गलती होती है तो उस गलती को किसी संप्रदाय या किसी धर्म से न जोड़ा जाए। आपसी मेल मोहब्बत के साथ जिस तरह हमारा इतिहास रहा, हम कार्य करते रहे हैं, उसी तरह से हम कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अरुण त्रिवेदी आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लॉकडाउन का बहुत बहुत कड़ाई से पालन करें और जीवन में सतर्कता बरतें। इस समय देश पर बहुत बड़ा संकट है, सीतापुर भी उस संकट की चपेट में आ गया है। अगर आप ये सतर्कताएँ बरतेंगे और जो कुछ कहा जा रहा है उस सबको विचार में लाएंगे तो इस तरह आप देश को, समाज को, अपने आप को और सीतापुर की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सद्भाव और प्रेम बनाए रहें, आत्मविश्वास को डिगने न दें। आत्मविश्वास से जो खड़ा हो गया आदमी जिंदगी से बड़ा हो गया।